मैं भावयुक्त मुखौटा हूँ। मैं सरायकेला छाऊ हूँ। मैं सरायकेला का परिचय हूँ। 100 वर्ष पूर्व सरायकेला के प्रसन्न कुमार महापात्र ने छऊ नृत्य के लिए किया था मुखौटा तैयार। मुखौटे से मिली सरायकेला छऊ को अंतरराष्ट्रीय पहचान। सरायकेला व मानभूम शैली छऊ नृत्य में होता है मुखौटा का उपयोग। सरायकेला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में यहाँ की नृत्य कला छऊ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी उत्कृष्ट कला शैली के कारण सरायकेला के जीवन में रंग डालने वाले छऊ ने न केवल गांव की देहरी लांघी है, बल्कि इसने अपने प्रांत व देश के सरहदों के पार विभिन्न भाषा, कला, संस्कृति, नृत्य एवं विचार वाले लोगों को भी प्रभावित किया है। छऊ में मुखौटा के इस्तेमाल के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, या यूं कहे कि आधुनिक मुखौटे से ही सरायकेला शैली के छऊ को एक अलग पहचान मिली। विभिन्न प्रसिद्ध छऊ नृत्य की 4 शैलियों में महत्वपूर्ण शैली है सरायकेला व मानभूम शैली के छऊ नृत्य। इन दोनों ही शैली के छऊ नृत्यों में मुखौटा का उपयोग होता है, जबकि खरसावा व मयूरभंज शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। छऊ का मुखौटा बनाने में काफी दिक्कत होती है। मानभूम व सरायकेला शैली की छऊ नृत्य में नर्तक के नृत्य मुखौटे के सहारे नृत्य के चरित्र में समाहित होकर उसी अंदाज में नृत्य करता है। कहा जाता है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व सरायकेला के प्रसन्न कुमार महापात्र ने इस शैली के छऊ नृत्य के लिए मुखौटा तैयार किया था। सरायकेला छऊ में मुखौटा को शामिल करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। सरायकेला शैली में फिलहाल कई कलाकार मुखौटा तैयार करते हैं। मुखौटा रंग डालते समय नृत्य के चरित्र पर ध्यान दिया जाता है, इसके अनुरूप ही मुखौटा तैयार होता है। मुखौटा के शास्त्रीय व मार्गी रूप का भी ध्यान रखा जाता है। मुखौटा के रंगाई के पश्चात चरित्र के अनुरूप की मुकुट, गहना आदि से सजाया जाता है। एक मुखौटा तैयार करने में 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। मुखौटा पर शोध करने के लिए हर वर्ष विदेशों से लोग आते हैं। मुखौटा पहनने के पश्चात नर्तक को सांस रोकने की अभ्यास करनी पड़ती है। मुखौटा पहनकर नृत्य करने के लिए भी महीनों अभ्यास करना होता है, तभी नर्तक मुखौटा पहनकर नृत्य कर सकता है। मुखौटा के बगैर विश्व प्रसिद्ध मानभूम व सरायकेला शैली के छऊ नृत्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सुशांत महापात्र 8 साल की उम्र से ही कर रहे हैं मुखौटा का निर्माण। सरायकेला के प्रथम मुखौटा निर्माता प्रसन्न कुमार महापात्र के पुत्र सुशांत कुमार महापात्र ने 8 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ मुखौटा का निर्माण करना आरंभ किया था। सुशांत कुमार महापात्र ने बताया कि वे 8 वर्ष की उम्र से ही अपने पिता के साथ सरायकेला शैली छऊ मुखौटा का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले जहां बांस की टोकरी एवं अन्य साधनों को मुखौटा के रूप में प्रयोग किया जाता था, उस दौरान 1925 में उनके पिता ने मिट्टी से आधुनिक मुखौटा तैयार किया, जिसे सरायकेला शैली में शामिल किया गया। इसके बाद से ही मुखौटा का निर्माण होने लगा। महापात्र ने बताया कि पहले एवं आज में आसमान जमीन का फर्क आया है। पहले जहां कलाकारों में समर्पण की भावना थी, आज उसमें थोड़ी सी कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुखौटा निर्माण कला से भरण पोषण संभव नहीं है। थोड़ी बहुत आमदनी चैत्र पर्व के समय ग्रामीण क्षेत्र में छऊ नृत्य के आयोजन के दौरान मुखौटे की बिक्री से होती है। महापात्र ने कहा कि विरासत में मिली इस कला को बचाए रखने की चाहत ने ही कला से जोड़े रखा है। भले ही आर्थिक परेशानी हो, परंतु कला को बचाना सबसे जरूरी है। सरकारी सम्मान नहीं मिलने का है मलाल। महापात्र परिवार को इस बात का मलाल है कि सरायकेला छऊ की शान में 4 चांद लगाने वाले मुखौटा के जनक को अब तक सरकारी स्तर पर कोई सम्मान नहीं मिल पाया। सरायकेला शैली छऊ नृत्य के प्रथम मुखौटा निर्माता गुरु स्वर्गीय प्रसन्न महापात्र को जीते जी या मरणोपरांत इस कला के लिए सरकार से उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। यह मुखौटा ही है जिसके चलते सरायकेला छऊ पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय कन्हैयालाल महाराणा और स्वर्गीय विश्वनाथ साहू भी शिल्प कुशल प्रसन्न महापात्र के ही शिष्य थे। सरायकेला छऊ नृत्य के भाव प्रकट करने वाले विभिन्न मुखौटे को ही सरायकेला छऊ का मुख्य आकर्षण कहा जाता है, और आज तक इस कला को बचाए रखने में महापात्र परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी तक का योगदान देता आ रहा है।
छौ नृत्य के मुखौटा शिल्प कला के इतने सुंदर हुनरमंद कलाकार गुरु सुशांत कुमार महापात्र को आज तक भारत सरकार के अधीनस्थ कलाकारों को प्रोत्साहित करने वाले विभाग से उच्च सम्मान न मिल पाना एक आश्चर्यजनक बात है। कुछ भी हो, महापात्र परिवार की छौ नृत्य के प्रति इस योगदान को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है। जब से तपन पट्टाना छौ कला केंद्र के डायरेक्टर बनाए गए, तब से कलाकार अपने हक के लिए इधर उधर भटकते रहे। तपन पटनायक पर कलाकारों के मानदेय भी हड़पने का आरोप लगा है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी आंखों को बंद कर तपन पटनायक को सर आंखों पर बिठाए रखा है। कलाकारों की पहुंच सीमित है, क्या सरकार की दृष्टि और पहुंच सीमित है? गुजारिश है सरकार से अपनी दृष्टि उन कलाकारों तक पहुंचाए जो अभी भी सही सम्मान पाने से वंचित है, उनका हक उन्हें दिलाए। कलाकारों को सम्मान मिलने से एक कलाकार ही सम्मानित होता है। मैं भावयुक्त मुखौटा हूँ, मैं सरायकेला छऊ हूँ, मैं सरायकेला का परिचय हूँ, विश्व रंग मंच पर एक अलग स्थान रखता हूँ। मुझे समझने के लिए भाषा ही नहीं अपितु भाव की भी जरूरत पड़ती है। नर्तक जब मुझे पहन लेता है और ढोल नगाड़ा शहनाई बजने लगती है, तब मैं जागृत स्वरूप होकर दर्शकों के साथ साथ सारा परिवेश को नचा देने की ताकत रखता हूँ। मैं झारखंड का वह एक छोटा सा जिला सरायकेला खरसावा पावड़ी माटी की विशिष्ट पहचान छौ नृत्य का केंद्र बिंदु हूँ, जिस कला के लिए आज इस पावड़ी माटी के साथ कलाकारों को भारत के उच्च सम्मान पद्मश्री और दसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मिला है। आज अगर सरायकेला छौ का विश्व में उच्च कोटि में स्थान है, तो उसका कहीं न कहीं श्रेय मुझे भी जाता है। मैं वह भावयुक्त मुखौटा हूँ, मैं सरायकेला छौ हूँ, मैं सरायकेला का परिचय हूँ, विश्व रंगमंच पर एक अलग स्थान रखता हूँ। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की खास रिपोर्ट। कि आपकी कितनी पीढ़ी छऊ मुखौटा में काम कर चुकी है अभी तक? दादा स्वर्गीय शिल्प कौशल प्रसन्न कुमार महापात, आज जो हम सरायकेला छऊ में जो मुखौटा देख रहे हैं उन्हीं का वो देन है। उन्होंने ही ये मास्क का निर्माण किया था। उनसे पहले उनके बड़े भाई चंद्रमोहन महापात्र, जो हमारा सरायकेला में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है, जितनी भी कलाकृतियां हैं उनके द्वारा निर्मित है। आज हम वो देख सकते हैं उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ जगन्नाथ मंदिर में, और उनके जस्ट उनके छोटे भाई प्रसन्न कुमार महापात्र जिन्होंने सरायकेला छऊ मुखौटा निर्माण किया, उनसे शिक्षा ली मेरे पिताजी गुरु श्री सुशांत कुमार महापात, और मैंने उनसे शिक्षा लिया। इसमें क्या कठिनाई आप लोगों को आ रही है मुखौटे बनाने में? देखिए, आज सरायकेला छऊ जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, साथ साथ पद्मश्री एकेडमी अवार्डिस, जिस छऊ का मुख्य पहचान मुखौटा है, आज उसी को ही दरकिनार किया गया है। सरकार ने अभी तक उनको कोई ना सम्मान दिया, ना ही मेरे दादाजी को मरणोपरांत कोई सम्मान मिला, ना ही मेरे पिताजी को स्टेट से राज्य सरकार से सम्मानित मिला। मगर जो हम आशा करते हैं सेंट्रल से भी जो बड़े बड़े सम्मान हैं हमारे जो है, जिसके लिए आज सरायकेला छऊ विश्व प्रसिद्ध है, जिसका मुख्य है वो मुखौटा, उनको भी सम्मान मिले तो हमें भी हमारा जो कला है उसका जो हमने ट्रेडिशनल को बरकरार रखा है, हमें भी खुशी रहेगी। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं अब तक मिला? अब क्या कहें, शायद हमारी पहुंच उतना दूर नहीं है। हम तो अपना पिताजी ने अपना सारा उम्र इस कला के लिए समर्पित कर दिया, दादाजी ने इस कला के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, पिताजी भी आज पिताजी का 70 साल हो गया इस कला पे समर्पित हैं, और मैं अपना MCA किया हूँ, पढ़ाई पूरा करने के बाद इस कला को ट्रेडिशनल को आगे बढ़ा रहा हूँ। बस यही दुख है कि अभी तक पहचान में सरकार को अभी नहीं आया है। हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि सही कलाकार को पहचाने। आज जिसके जिसके लिए साथ साथ पद्मश्री एकेडमी अवार्ड हैं, जिस कला के लिए उनको भी नज़र में रखें। बस यही रिक्वेस्ट है, इसको पहचाने और उसका एक जगह दे उनको, कला की एक पहचाने कि उसको सम्मान मिले। बस हम कलाकार सम्मान के भूखे होते हैं।